जानत रहू कि ना जानत रहू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूँगा। लड़की कुछ दिन पहले बोली थी कौन है कौन सी, उसके बाद आपके गाने पे रील्स बनाई, रील्स बनाने के बाद वो कह रही थी जबरदस्ती रील्स बनवा दिया लोग, आज उसी लड़की को इस मंच से अपने गाना गाने का वादा कर दिया, क्या कहेंगे? बोले के पहले वो हमारा गाना पर डांस पहले बड़ी की ना पहले बड़ी ना जी, तो जाने दीजिए। मैंने बोला ना कि गलती केहू से हो जाना, कभी कभी गलती केहू से हो जाना, कभी कभी केहू गलती केहू से करवा भी देना। ताकि अनुपमा जी देसीला गाय है, इसके लिए कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। अच्छा ठीक, मतलब हम देसीला सर इज्जत करती हूँ इतना, अरे कितना बेशरम हो तू, क्या बोलूं मैं, रात को 2-3 घंटा आके प्लीज सौम्या प्लीज ये प्लीज वो करते हो तुम लोग, कि गाड़ी में रोते हो कि सौम्या ये कर दो सौम्या वो कर दो, और जाने के बाद वो अपने स्टूडियो में जाके लाइव आ जाते हैं, सौम्या ये सौम्या वो इंटरव्यू देते हैं, और वो इंटरव्यू एक बना हुआ है, वो एक है होता है ना वो सुअर सा मुंह वाला, वो लगता है सुअर का थोपड़ा चिपकाया हुआ है उसके ऊपर, वो बोलता है कि हम लाए सौम्या पोखरेल को, तुम्हारा तुम्हारे लाने से हम सौम्या पोखरेल हुए हैं, तुम्हारा लाने से सब लोग खेसारी लाल यादव बन गए, तुम लोग का थोड़ा सा इतना भी है उनका पैर का नो में भी लगने वाला है उनके कि तुम लोग लाए हो, कुछ भी डॉलर नहीं आता ना, इतना नहीं आता ना तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता, गिर रहा था मेरे वजह से डॉलर टुक टुक, तब तुम लोग किए हो रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी बोल देने से सौम्या तुम्हारे वजह से नहीं आ जाती है, ठीक है? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सौम्या पोखरेल को जैसे भी मार देना है, ठीक है? हमको धमकी आया हुआ है, मेरे पास सब कुछ रिकॉर्डिंग, आप लोग जो भी मांगे, 2 घंटा का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और हमको मारने के लिए ना ये लोग क्या क्या साजिश रच रहे हैं ना, पहले तो 2-3 लोग हैं त्रिमूर्ति केस करने वाले मेरे पर, फेक केस, मैं पूछना चाहती हूँ किस वजह से, क्या मैं की हूँ, तुम लोग का बेरी में से धान चुराई हूँ कि 2-3 करोड़ तुम लोग लेके बैठे हो, वैसे मैं भी लेके बैठी हूँ तुम लोग का, है कि तुम लोग मेरे ऊपर केस करोगे, 2-3 करोड़ तुम लेके बैठे हो, तुम्हारे ऊपर 10 गो केस है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पास से लेके बैठी हूँ क्या, जो मेरे ऊपर केस करोगे तुम लोग? परेशान क्यों कर रहे हैं बताइए, मैं क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं काम उम छोड़ दूं? आपको मैं आज भी बता रही हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं किसी के साथ काम ना करूं तो उतना काम आप हमको दीजिए, ठीक है? मैं नहीं करूंगी, उतना काम दीजिए हमको, आप किस लिए ढोंग रस्ते फिरते हैं, खुद का फैमिली चलाने के लिए ना, रोजी रोटी चलाने के लिए ना, परेशान नहीं करिए प्लीज, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है, आप लोग अपना इज्जत बनाए हैं मार्केट में, उसको बदनाम करने में नहीं तुलिए, ठीक है? नहीं तो एक बात बता दूं, आज तक ना आप लोग के सामने ना सौम्या पोखरेल कभी कोई लड़की आई थी ना आने वाली है, पर ये जो है ना बहुत अलग है, और जब सनक जाएगी ना तो हिला के रख देगी, समझ जाइएगा प्लीज।